नमस्कार, मैं हूं पूजा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले मंदसौर से बता रही हैं किस तरीके से 150 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। दरअसल जिला अस्पताल में अचानक से हड़कंप मच गया, डॉक्टर्स ने सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया। फूड पॉइजनिंग का पूरा मामला था, लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत थी। ये सभी लोग रोजा इफ्तार की पार्टी में गए थे, जहाँ पर रोजा इफ्तार पार्टी में मिठाई उन्होंने खाई थी। गुदरी और अन्य आसपास के क्षेत्र में ये पार्टी थी। करीब 800 लोगों ने खाना खाया था, जिनमें से 150 की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से फूड पॉइजनिंग का पूरा ये मामला सामने आया है और तमाम लोग जिन्होंने इस रोजा इफ्तार पार्टी के दौरान मिठाई खाई थी, 800 लोग थे और उनमें से कईयों की तबीयत खराब हो गई। 150 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय कुमार जुड़ गए हमारे संवाददाता। अजय, पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके से फूड पॉइजनिंग हुई है, क्या इन लोगों की तबीयत है, क्या कुछ कहना है अस्पताल प्रशासन का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कल शाम को रोजा इफ्तारी के लिए करीब अलग अलग क्षेत्रों में मंदसौर के रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम था और देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच मरीजों का आना जिला अस्पताल में शुरू हुआ, तो एक के बाद एक करीब 500 से 700 मरीज वहाँ पहुंचने लगे। तो प्रशासन वहाँ आनंद थाना में पहुंचा, डॉक्टर वहाँ पहुंचे, काफी टीम पहुंची, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं संभाल ली गई थी, किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि जो मिलावट की आशंका बताई जा रही है कि जो मिठाई थी उसमें मावा था, उसमें मिठाई में करीब मिलावट हो सकती है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिससे लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसकी जाँच प्रशासन कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 500-700 जो मरीज फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे अभी सारे खतरे से बाहर है। जी, आप बता रहे हैं कि तमाम जो है वो इस वक्त मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन क्या जहां से मिठाई जिस दुकान से मंगाई गई थी उस पर कोई एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, प्रशासन भी जांच कर रहा है, क्योंकि एक जगह का यह मामला नहीं है। मंदसौर के अलग अलग क्षेत्रों में जो हुआ इफ्तारी हुई थी उसके अलग अलग जगह के मरीज, एक जगह के नहीं होने से प्रशासन एग्जैक्ट नहीं पहुंच पा रहा जहां से सामान आया हुआ, लेकिन जाँच की संभवतः शाम तक पुलिस ये प्रशासन ये जांच कर सके कि कहां से वो मावा आया था, कहां से खराबी आई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे, बड़ी घटना हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अजय। तो आपको बता दें कि किस तरीके से मंदसौर के अलग अलग इलाकों में मावा से बनी मिठाई खाने के बाद इन 150 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है और उसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है।